देता हूँ ना। बोले तो ये लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सबकी जड़ औरत होती है, इसीलिए औरत पे पैनी नजर रखना बहुत ही जरूरी। हाँ वो बात और है कि औरत माँ भी होती है, पर भरोसा वरोसा कुछ नहीं। तुम कैसे रखे हो नजार, तुम तो यहाँ हो और तुम्हारी जोरू वहाँ है। तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी का मसला है, तुम देख लेना, मुकदमा तो हम ही जीतेंगे। वो कैसे? अरे भैया हमारी जरूरत है ई प्रॉपर्टी और उस वकीलवा की जरूरत है हमारी जोरू। तो मुकदमा तो हम ही जीतेंगे। सो तो है, खेती की नहीं औरत की देखभाल बहुत ही जरूरी है। राजा औरत और बेल इन साला तीनों का एक ही स्वभाव होता है, साला एक ही बार में नजदीक वाले को लपेट ही लेता है। सही कह रहे हो लालू। हाँ जी, ध्यान रखना। ठीक है जाओ, आज तो सवारी नहीं मिलेगी क्या? दिखे कूत रूसा बालक जाम रखा है और दिखे सारा कुनबा नाच नाच के बोला हो रहा है, हैं? एक मौका राम जी सब ने दिया करे, ले लिए हैं? हम सुनावांगे तने तेरी कहानी एक दिन, न्यू नहीं जिंदगी फुर्सत में आई एक दिन। एक मौका राम जी सब मौका राम जी सब ने दिया करे। थक गया है तू? हाँ बोलना। किराया? चुप। किराया लेने तो आई हूँ। इतना डरता क्यों है तुम मुझसे? पहले इतने करीब से लड़की नहीं देखी? मेरे लिए खुशी का दिन है, लड्डू खाइए, अब मैं बाप बना हूँ।
कुछ चाहिए था क्या? उठो उठो तो सही, एक बार अंदर चलो। चलो ना एक बार अंदर। अब जो हो गया सो हो गया। आखिर हम सब उस ऊपर वाले के हाथ की कठपुतलियां ही तो हैं। नाराज हो जानती हूं, मुझसे काम ही ऐसा हुआ है। जब यकीन का पहाड़ फटता है ना, तो उसके भीतर से ना जाने क्या क्या निकलता है। क्या हुआ, गाड़ी को रोक दी? अरे क्या साहब, आज आपकी मीटिंग है सिंघानिया साहब के साथ, कृष्णा होटल में पहुंच गए। वक्त की रोटियों का जुगाड़ भर नहीं है, अपने पन के दो बोल भी उतने ही जरूरी हैं। और वहाँ पश्चिम में, वहाँ पश्चिम में बने हैं ओल्ड एज होम्स, और वहाँ छोड़ देते हैं अपने बुजुर्ग माँ बाप को। जब मन हुआ तब चले गए मिलने। ये दुनिया किस चीज की है, जान नहीं पाए इस भेद को। क्या चाहिए भाई साहब? जीवन भूल बाणी के सहारे भी पलता है, और इस बात को एक संत कवि ने कैसे कहा है। हरि बिन संकट कौन निवारे। भाई साहब बच्चों के लिए ले जाओ। भाई साहब कितने का दिया? 50 का। 30 का दे दो। साहब इससे कम ना लगाएंगे। कितने दो? 50 दे दो। ठीक है ये ले लो। एक चाहिए या दो दे दूं? दो दे दो। दिन भर में कितना कमा लेती? क्या बताऊं साहब, दो ही महीने हुए हैं उनको, गुजारा हो ही जाता है बाबूजी किसी तरह। अब तो ये छोटे छोटे बालक ही प्यारे ग्राहक हैं। बारे वाली कल फिर से आ जाना। रहने दो साहब, लड़कपन में है, पेड़ पर आया बोर है फल नहीं। छोड़ो साहब, आपको क्या चाहिए? वो दे दो। कितना हुआ? 200। Thank you.
हिसाब से। ये लो अपने बच्चे को दे देना। थैंक यू सर। फिरकी वाली देवी तुझे क्या कहूं, तेरी मोह और ममता के आगे झुकता है सर। तुम इस गरीबी में भी औलाद को अपने कलेजे से लगाए घूमती हो और मैं, मेरे पास सब सुविधाएं हैं फिर भी छोड़ आया हूं उसे जिसका मैं हिस्सा हूं। किस्मत जब अपना खेल खेलती है तो बड़ा छोटा कुछ नहीं देखती। माँ, इस शब्द में क्या कुछ नहीं छिपा है। और मैं हूं के किसको कहूं, अजीब सी कुहक उठती है कलेजे में जब कोई अपनी माँ के नजदीक दिखाई देता है या जब कोई माँ अपने लाडले को बुलाती है। सॉरी भाई साहब, अब वो किसी और के साथ रहना चाहती है। अब तो जज साहब का फैसला भी उसी के हक में है। अब वो तुम्हारी पत्नी नहीं रही। सॉरी। बेटे देख वो गई। जा बेटे, रोक ले अपनी माँ को। छोड़ के मत जाओ। गिले भाई गिले पूरे हैं। अरे क्या गिनना यार, कहीं तो भरोसा कर ही लेना चाहिए इंसान को। क्या हुआ? अरे शंभू कह रहा था कि बच्ची की माँ इसको छोड़ के चली गई। जज साहब का भी फैसला हो चुका है। मैया तो जज साहब की भी रही होगी, तनिक सोचे नहीं इस बच्ची के बारे में। सुना तो ये था कि दुनिया की हर औरत खूबसूरत जरूर होती है, तन से नहीं तो मन से। लेकिन ये खूबसूरती कौन सी है भाई? फरेब और मक्कारी कौन इन्हें सिखा जाता है? एक मां के तौर पर इनकी ये बेरुखी। घर में लौट आओ तो ठीक है आदमी, वरना इनका काम तो चलता ही है। क्या औरत के दिल से कठोर भी कोई चीज बनाई होगी ऊपर वाले ने? अच्छा तुम थक गए होंगे, नहा लो। मैं नहाऊंगा जरूर, पर खाना नहीं खाऊंगा। क्यों?
आखिर कब तक यूं ही? नहीं बोलो, क्या कहना चाहती हो? हर औरत चाहती है कि उसका कोई अपना हो। औरों के यहां जब खुशियां बरसती देखती हूं तो मेरा मन 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 तो मेरा भी करता है, मगर मैं तो मन की मति पर नहीं चलता ना। मुझे अपने आंगन की चिरैया नहीं समझ सकते। फुदक लेती हूं तुम्हारे आंगन में, और फिर कौन नहीं चाहेगा कि भगवान हम पर मेहरबान ना हो। लेकिन थोड़ी सी आजादी तो हम दोनों का। दोनों क्यों, तीनों बोलो। सो जाओ तुम। मुझसे दुखी लगते हो या किसी तकलीफ में हो? तकलीफ तब हुआ करती है जब किसी का इलाज हो रहा होता है। सो जाओ तुम। खड़ा रहे है एक आधा पीस खा लिया करे ने कि मैं डंकी बात भी कर लिया कर। कुछ है बोलता है जम्मू मावे है जाजा दे ले दूध। एक ऑर्डर आया था रामबज का 50 समोसों का, वहां देने हैं। अभी तक सुबह बोला था, अभी तक नहीं किया। अच्छा तू एक बात बता भाई, तेरा जिंदगी का क्या तजुर्बा भाई है? क्यों तड़की तक दिमाग खराब कर रहा है? जा जा जा, आ गया सवेरे सवेरे तजुर्बे बांटने। चले जिंदगी जीने के चक्कर में मैं औरों की तरह नहीं। पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही तोते बहुत पसंद थे, कबूतर कबूतरी नहीं। हम दोनों तो टायर ट्यूब की तरह थे, जितना चल सके चल चुके। चाहता तो मैं भी था कि अपनी गोद में अपने आप को लेकर देखूं, अपने बचपन से प्यार करूं, पर मिला कुछ भी नहीं सिवाय इंतजार के। दी है मैंने औरों के बच्चों को कुल्फी, इस उम्मीद के साथ कि राम जी मेरे पास भी प्यारा सा एक खिलौना भेज देंगे। खैर, एक ये खिलौना तुम्हारे उस नन्हे के लिए है जिसके आने की तुम उम्मीद में हो। तुम्हारी कसम, अब मैं तुम्हारा नहीं हूं, भटकती लहर हूं, किनारा नहीं हूं। Thank you.
यार अपना तो वही सब चल रहा है, तू बता। चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। माची ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये कैसा न्याय कर रहे हैं आप? फ्रीडम तुम्हें जितनी प्यारी है उतनी ही मुझे भी, आज दे दी तुम्हें आजादी, अब और क्या? भला मैंने ये कब चाहा? चुप्पी कई समस्याओं का बढ़िया इलाज हुआ करती है। सिग्नेचर करो, ज्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं है। क्या बात है, हुआ क्या है? अरे ये सब क्या है? पता नहीं भाई साहब, कोर्ट से पेपर तैयार करवा लाए हैं और मुझे कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, फूल सा बच्चा है, हंसता खेलता परिवार है, और माता जी कहाँ हैं? पापा जी छोड़ आए थे माँ जी को। पर कहाँ? आप ही पूछ लीजिए। आ जाओ, खड़े क्यों? आज माहौल कुछ अलग सा नहीं है घर का, माता जी भी दिखाई नहीं दे रही है। छोड़ आया हूँ अपनी 60 साल की माँ को। पर कहाँ? ऐसे लोगों के बीच में जिन्हें वो जानती तक नहीं। पर क्यों? पिछले 2 साल से जीना दोभर हो गया था उसका, कोई ढंग से बात ही नहीं करता था, यहां तक कि मेरे बेटे को भी उससे बात करने की मनाही थी। रोती रहती थी जब मैं कोर्ट से आता था, नौकर तक अनदेखी कर रहे थे। एक बार समझाने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन किसी ने भी मां से सीधे मुंह बात तक नहीं की। यार 2 साल का था मैं जब पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। ये मां ही तो थी जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। आज जो कुछ भी हूं तो किसकी बदौलत? पिछले 3 दिनों से तड़प रहा हूं मां की एक एक तकलीफों को याद करके। मैं तो उसका हिस्सा हूं, पर वो इस घर का हिस्सा नहीं है क्या? और जब हम ऐसी मां के नहीं हो सके तो फिर अपने बीवी बच्चों के क्या हो? जिसके शरीर का मैं टुकड़ा हूं उसे मैं उन लोगों के हवाले कर आया हूं जो ना तो उसकी आदतों के बारे में जानते हैं और ना ही उसकी बीमारी के बारे में। अरे कुछ तो नहीं जानते वो लोग। और जब मैं अपनी मां के लिए कुछ नहीं कर सकता तो किसी और के लिए क्या करूंगा? दे दी आजादी इनको, आजादी इतनी प्यारी है ना, मां तो बोझ लगती है इनको। ले ले आजादी, पूरी आजादी लो। जब बिना बाप का बेटा पल गया तो ये भी पल गया। जहां मैं मां को छोड़कर आया हूं आखिर वही तो जाना मुझे देखते। जी किससे मिलना है? वकील साहब आए अपनी माँ से मिलने के लिए, वार्डन को फोन लगा। हेलो मैम, कोई मिलने आया है? जी
कहिए। जी दरअसल वकील साहब आए हैं अपनी माँ को लेने के लिए, परिवार भी साथ में आया है, हो जाता है घर परिवार में सब। इतनी रात में? मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। आप फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, मैं हूँ ना। ठीक है, आइए। शांति जी उठो, देखो कौन कौन आया है। शांति जी, मेरे दूध में इतनी ताकत तो है कि मेरा लाडला मुझसे ज्यादा दिन दूध नहीं रह सकता। परिंदा बिन परों के कैसे छूले आसमां, कैसे महकेगा चमन, खुशबू का होगर साथ ना। रास्ते मुश्किल बड़े हैं, रोशनी बिन क्या करो, या मेरे रब तू ही बता, अब जीऊं या फिर मैं मरूं। दिल की धड़कन रूह की तड़पन बढ़ती जाए ए खुदा, दिल की धड़कन रूह की तड़पन बढ़ती जाए ए खुदा। बूंद ये इक जाए कहां, हो के दरिया से जुदा ए खुदा। कुछ नहीं तेरा करया रे, माफ करिए रे वतन, हम भी चाहा थे तने जन्नत बनाना एक दिन। आवे तेरा जिंदगी का के तजर्बा भाई है, काम आ गई थी एक समझदारी की बात। वाह कौन सी भाई? सारी उम्र खुश रहना है तो पेड़ लगाओ। और क्यों? क्योंकि पेड़ कभी साथ छोड़कर नहीं जाते।